तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा डेस्कटॉप सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट के मैक्स सैलरी के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेक्निकल सपोर्ट पे जॉब कर रहे हो, डेस्कटॉप सपोर्ट पे जॉब कर रहे हो, तो मैक्स सैलरी कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सैलरी कितनी मिल सकती है। वीडियो को आगे जाने से पहले मैं बता दूँ आपको, सैलरी की कोई लिमिट नहीं होती है। पहली बात तो ये कि आपको कितनी मिलेगी कोई फिक्स नहीं है, बट मैं बता दूँ कि अगर आप एक इनिशियल लेवल पे जॉब कर रहे हो, डेस्कटॉप सपोर्ट L1 या डेस्कटॉप सपोर्ट L2 या टेक्निकल सपोर्ट L1, इस तरीके की अगर आप जॉब्स कर रहे हो, तो उसमें जो स्टार्टिंग करियर होता है आपका 15-20 से शुरू होता है। और जब आप समझ लो कि जब 40 की सैलरी पे पहुंच जाते हो ना, तो आपके जॉब दूसरी जगह मिलने, कंपनी स्विच करने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि आप एक मैक्स सैलरी पे पहुँच जाते हो। जी हाँ, 30-40 हज़ार रुपये, 30-40 बिटवीन आप डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट के एक मैक्स सैलरी पे पहुंच जाते हो। इसके बाद या तो आपको डोमेन में मूव होना चाहिए या मैनेजमेंट में मूव होना चाहिए, शिफ्ट लीड, साइट लीड या नेटवर्किंग, क्लाउड, लिनक्स वगैरह, जिसमें आप जाना चाहते हो, तो वो आपको फिर मूव होना पड़ेगा हाईएस्ट सैलरी पे जाने के लिए। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूँ, जो मैंने पहले बोला कि कोई लिमिट नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल, आप किसी MNC कंपनी में जॉब कर रहे हो या स्मॉल ही ले लो, स्मॉल कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आप उसमें एक साल जॉब करते हो, दो साल, तो कंपनी जो हाइक देती है ना, उसकी वजह से मैंने बोला कि आप अनलिमिटेड सैलरी, मान लो आप 30 पे जॉब कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आपको 5,000 हाइक मिला, 35 हो गए, नेक्स्ट ईयर 5,000 हाइक मिला, फिर 40 हो गए, तो ऐसे अगर 5 साल हाइक मिलता रहा तो आपके लगभग 25 हो गए, 30-50 हो गए। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आप कंपनी में रुक रहे हो, लेकिन अगर आप स्विच करना चाहते हो ना, तो फिर 40,000 की मैक्स सैलरी पे पहुंच जाता है, क्योंकि इसमें इनिशियल लेवल का एक करियर होता है और इतना एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करते हैं टेक्निकल सपोर्ट या डेस्कटॉप सपोर्ट के बंदे, तो उन्हें ये लगता है कि अगर हम 40,000 में एक बंदा ले रहे हैं, तो हम वो यार 20-20 हज़ार में दो बंदे रख लेंगे, क्योंकि बंदे तो वैसे भी जॉब करने के लिए 15,000 में रेडी हो जा रहे हैं। तो 15,000 में बंदा जब रेडी है, तो हम 40,000 का बंदा क्यों लेंगे? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट होता है। बाकी आपके टैलेंट और नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है ना, 5-6 साल, 8 साल, 10 साल, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर आप मूव होते हो, या तो फिर किसी डोमेन पे आप जाते हो, या फिर किसी मैनेजमेंट में जाते हो लीड वगैरह के लिए, मैनेजर वगैरह के लिए, तो वो चीज़ है, इस हिसाब से सैलरी बढ़ती है। लेकिन आप सोचो कि डेस्कटॉप सपोर्ट और उसी में आपकी सैलरी बढ़ जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसी अगर टेक्नोलॉजी में जाते हो, जैसे नेटवर्किंग, लिनक्स, क्लाउड वगैरह किसी में जाते हो, तो आप ये मान लो कि आपको हमेशा 24x7 में जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी में होते हैं वो 24x7 पे वर्क करते हैं, और जो मैनेजमेंट पे होते हैं, साइड लीड, शिफ्ट लीड वगैरह, मैनेजर वगैरह, तो उनकी जो शिफ्ट रहती है वो एक जनरल शिफ्ट रहती है, लेकिन थोड़ी सी इनके पास भसड़ ज़्यादा होती है, क्योंकि आप एक तरीके से कह लो 24 आवर एक्टिव रहना पड़ता है, कभी भी किसी का कॉल आ सकता है। अब मान लो उनके नीचे 10 इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो शिफ्ट वो रोटेशनल में कर रहे हैं। अब जो उनका जो साइड लीड है, रात में कुछ 9-10 बजे कुछ अगर इशू आ गया, तो मैनेजर को ही कॉल करते हैं। लेकिन इंजीनियर के साथ क्या होता है, अगर वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है या किसी डोमेन पे, तो क्या होता है कि उसकी शिफ्ट ख़त्म, उसे कंपनी से मतलब नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। थोड़ा सा कभी हो जाता है कि मुश्किल से 1-2 कॉल्स आ गए ऑफिस से, बट एज कम्पेयर बोथ, तो उसमें थोड़ा सा लाइट जो लीड वगैरह होते हैं, उनको थोड़ा सा काम का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट से होते हैं, और वो इतना सा डिफरेंस होता है, मैंने आपको ओनली बता दिया। बाकी आप चूज़ कर सकते हो कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो बचा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।